बजरंग बली, बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजन सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीश बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, हयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। मारुति, मुझे गुरुदेव मतंग ने यहाँ आपकी समस्या के समाधान के लिए ही भेजा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही आभास हुआ था माता, बताइए मैं श्राप को कैसे दूर कर सकता हूँ। महाराज, मारुति के चले जाने से महारानी को सदमा बैठ गया है, और यदि इनकी यही हालत रही तो ये अपना मानसिक संतुलन खो देंगी। शबरी माता ने इस श्राप के निवारण का उपाय बताया है, तो वो ही इस समस्या को भी सुलझाएंगी। तुम गई कहाँ थी पुत्री? मैं कहीं नहीं, मैं तो यहीं थी। तुम सच कह रही हो अंजना? हाँ, मैं तो मारुति से भी मिलने नहीं गई थी, वो तो वहाँ है ही नहीं। मैं बस यहीं थी, मुझे अब नींद आ रही केसरी। धीरज धरो पुत्र, ये समय भी बदलेगा, सुख के दिन फिर वापस आएंगे, प्रभु सब ठीक करेंगे। आपने रास्ता तो बता दिया माता, किंतु मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? मुझे यह ना देखकर ना जाने क्या हंगामा खड़ा हो जाए, सब और भगदड़ मच जाएगी। इसका एक उपाय है। इससे आपका जीवन संकट में आ जाएगा। यही एक रास्ता है। नहीं माता, मेरे कारण मेरी दो माताएं
पहले ही दुख के सागर में डूबी हुई है। अब आपको ही माता कहकर आपके जीवन को संकट में डाल दूं, ये मैं नहीं कर सकता। मारुति, मेरा जीवन तो आपकी सेवा से ही धन्य हो गया। अब तो बस किसी भी तरह मुझे इस समस्या का निदान करना है। किंतु यह अनुचित है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए आपका जीवन। आपका स्वार्थ नहीं है मारुति, इससे दो राज्यों में जो दुख की आंधी चली है वो समाप्त हो जाएगी। आपकी मौसी श्राप मुक्त हो जाएंगी। महाराज बाली को पुत्र सुख मिलेगा, किष्किंधा को उसका युवराज मिल जाएगा और अंजन प्रदेश का राजकुमार वापस लौट आएगा। किंतु शबरी माता, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी माँ के दुख दूर हो? उनकी ममता तड़प रही होगी, वे अपने सोने आंचल को देख देख कर कितना दुखी होती होंगी। वे अपने सोने आंचल को देख देख कर कितना दुखी होती होंगी। यदि इस सब के लिए मुझे कुछ कष्ट उठाने भी पड़े तो मैं सह लूंगी। मारुति, आपको पितृलोक जाना ही होगा। आपको पितृलोक जाना ही होगा। आपको पितृलोक जाना ही होगा। सब सो रहे होंगे, यही समय है जब मैं निकल सकता हूँ और किसी को पता भी ना चले। मौसी, बालिका का, मैं आपकी अनुमति के बिना ही पितृलोक जाने के लिए विवश हूँ, क्योंकि आपके और अन्य सबके दुख दूर करने के लिए मुझे यही एक उपाय दिखाई दे रहा है। मुझे क्षमा करें। क्या बात है तारा, तुम चीखी क्यों? हमें ऐसा लगा जैसे मारुति यहां आया था। अवश्य ही तुमने कोई स्वप्न देखा है। मारुति अपने कक्ष में सो रहा है, मैं स्वयं उसे वहां सुलाकर आया हूं। हाँ, आपने सुलाया तो था ही, किंतु हमें लगा जैसे उसने हमारे पांव छुए। तारा, तुम मारुति से बहुत प्रेम करती हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। स्वामी, फिर भी हम देखकर आते हैं। तारा, तुम व्यर्थ में चिंता करने लगती हो। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें स्वप्न में दिखाई देता है, और अवश्य ही तुमने सोचा होगा कि मारुति तुम्हारा पुत्र है और तुम्हारे पैर छूकर माँ का आशीर्वाद ले रहा है और तुम जाग पड़ी होगी। सो जाओ और मारुति को भी सोने दो। चलो।
अब तक मारुति को आ जाना चाहिए था। शबरी माता, बहुत विलंब कर दिया आपने आते आते, अब चलिए। मुझे अभी भी लग रहा है कि मेरे जाने से आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। अब ये सब सोचने का समय नहीं है। आपकी माता और अन्य सभी के दुखों को दूर करने के लिए और कोई उपाय नहीं है, अब चलिए। अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। मारुति, इसी स्थान को मैंने तुम्हारे पितृलोक की यात्रा के लिए चुना है। कल मैंने यहाँ अनुष्ठान करके इसे पवित्र कर दिया है। अब आप पितृलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया ना माता। आपने हमें माता कहा है और माँ अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है। पितृलोक जाने के लिए आपको वायुलोक, अग्निलोक के बाद अंधकार लोक पार करने होंगे, तब आप यमलोक पहुँचेंगे। वहाँ रौरव आदि बहुत से नरक लोकों को पार करने के बाद पितृलोक आएगा। आप मेरी चिंता ना करें माता, बस अपना ध्यान रखना, कहीं आप पर कोई संकट ना आ जाए। ठीक है मारुति, आइए। मारुति, अब मैं इस अभिमंत्रित जल से आपको पवित्र करती हूँ, ताकि आप इस देह के साथ पितृलोक जाने में सक्षम हो सकें। शीघ्र ही पितृलोक जाइए और शीघ्र ही वापस आइए, मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। प्रभु, मारुति बहुत ही कठिन यात्रा के लिए गए हैं, उन्हें इस अभियान में सफल करना। हमने आपसे रात को ही कहा था कि मारुति हमारे पैर छूकर गया है, किंतु आपने हमें उसके पास जाने से रोक दिया। अब हम उसे कहाँ ढूंढें? ना जाने किस हाल में होगा वो। तारा, मैंने सोचा नहीं था कि वो इस प्रकार चला जाएगा, किंतु इतनी रात को वो कहाँ जा सकता है? यदि उसे कुछ हो गया तो मैं अंजना को क्या जवाब दूंगी? तारा, मारुति को कुछ नहीं होगा, वो यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा, और फिर हमारे सैनिक भी उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। अंजना ने कैसी अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को हमें सौंपा था? यदि वो हमें नहीं मिला तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। तारा, तारा, मारुति जहां भी होगा सकुशल होगा,
धीरज रखो तारा, धीरज रखो। भैया मैंने पूरा महल ढूंढ लिया, मारुति का कहीं कोई पता नहीं चला। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, मारुति जा कहां सकता है? भैया हो सकता है मारुति कहीं बाहर चला गया हो। मैंने सुना हुआ है अंजन प्रदेश में भी मारुति कभी कभी जंगलों में चला जाया करता था। सुग्रीव अंजन प्रदेश में मारुति के मित्र आदि थे, वो उनके साथ जंगलों में जाया करता था, किंतु यहाँ वो किसी को नहीं जानता है। प्रणाम महाराज। महाराज हमने महल के आसपास सब जगह देख लिया है, किंतु मारुति का कहीं पता नहीं चला। कहाँ चला गया मेरा लाल? हे प्रभु, वो जिस हाल में भी है उसकी रक्षा करना प्रभु, उसकी रक्षा करना। तारा मारुति को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द ही मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। और फिर मारुति कोई साधारण बालक नहीं है, हम स्वयं मारुति को ढूंढने के लिए जाएंगे। सुग्रीव चलो। हमें बिना बताए क्यों चला गया, ना जाने कहां गया होगा वो, किस हाल में होगा। ये क्या, ये हनुमान जी किस ओर चले जा रहे हैं? नारायण नारायण, हनुमान तो पितृलोक की ओर जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं मुनिवर? पितृलोक का प्राणी आत्मा रूप में ही जा सकता है, कोई देह के साथ कैसे जा सकता है वहां? गंधर्व राज, एक पुत्र अपनी माँ के दुख को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। नारायण नारायण। किंतु यह बहुत कठिन यात्रा है, इस पर आज से पहले कोई जीवित प्राणी नहीं जा सका। सत्य है गंधर्व राज, जब कोई आत्मा पितृलोक जाती है तो उसे अग्निलोक, वायुलोक और ऐसे अनेक प्रकार के लोकों से होकर जाना पड़ता है, जहां उसे अपनी शुद्धि के लिए अनेक प्रकार की विकट परिस्थितियों से होकर निकलना पड़ता है, तभी उस आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। मुनिवर, क्या ये नन्हे से बालक हनुमान उन कठोर परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे? नारायण नारायण, अब तो जो होगा सो प्रभु ही जाने, हम तो केवल इनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। भैया ये मारुति के बारे में कुछ जानता है? महाराज मैं ब्रह्मवेला में जंगल में कुछ विशेष फल लेने गया था, तभी मैंने राजकुमार मारुति को एक स्त्री के साथ सुमेरु पर्वत की ओर जाते हुए देखा था।
मालिन, वो मालिन ही होगी। वही महल में मारुति से मिलने के लिए आई थी, उसके अलावा और कोई भी महल में नहीं आया था।